अब हम बात करते हैं POS मशीन की, पॉइंट ऑफ सेल मशीन की। अभी जब हाल ही में आप लोग तो सब, हम लोग तो सब एक ही ज़माने के लोग हैं, तो हाल ही में 2017 में जब नोटबंदी के बाद ये सब कुछ जब सिलसिला चला ऑनलाइन पेमेंट का, तो UPI तो चलो एक बहुत लेटेस्ट चीज़ है जिसको लोगों ने हिचकिचाते हुए किंतु परंतु करते हुए 2020-21 तक 19 तक जाके लोग कंफर्टेबल हो गए थे UPI यूज़ करने में, ठीक है, वो चीज़ हमें समझ में आती है। लेकिन उससे पहले अभी तक जो हम लोग पेमेंट कर रहे थे तो हम लोग क्या करते थे, अपना ये डेबिट कार्ड दिया सामने दुकानदार को, या किसी मॉल में जा रहे हैं, मार्ट में जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, उनके पास एक मशीन होती है इलेक्ट्रॉनिक जिस पे बटन लिखे रहते हैं हमारे फ़ोन नंबर जैसे, वो कार्ड को इंसर्ट करते थे, कुछ अमाउंट डालते थे उस पे, फिर कहते थे मैम सर आप अपना पिन डाल दो ज़रा उस पे। हमने डाल दिया वो पिन, ओके प्रेस कर दिया, दो पर्ची निकल कर आती हैं, एक पर्ची वो खुद रख लेता है, एक पर्ची हमें दे देता है। याद आ गया मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है अभी दिखा भी देता हूँ। ये होती है पॉइंट ऑफ सेल मशीन, POS मशीन कहते हैं इसको। बिल्कुल ऐसे ही होता है, है ना, इस तरह की पर्ची निकलती है, एक पर्ची वो खुद रख लेता है, एक पर्ची आपको मिल जाती है, इन्हीं को कहते हैं हम लोग POS मशीन। तो पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल या मशीन ये एक कंप्यूटराइज रिप्लेसमेंट है फॉर अ कैश रजिस्टर। कैश रजिस्टर मतलब क्या, पहले ना खाते में लिखना पड़ता था इधर इतना ये पैसा हुआ, ये आया वो आया, हमने इससे लिया वो लिया, ऐसा लिया वैसे लिया, हो सकता है दुकान किसी और की हो और बैठा कोई और हो वहाँ पर उस दुकान के अंदर। लेकिन यहाँ पर क्या कि सारा का सारा कैश का रिकॉर्ड डिजिटली आ जाएगा, और अब मुझे शाम को मैंने जिसको भी मान लो कि दुकान पर बिठा रखा है, अब मुझे उसको उससे कोई आर्ग्यूमेंट करने की ज़रूरत नहीं कि कितनी बिक्री हुई क्या हुई, सारा का सारा जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है, मान लो कि मैंने ऐसे कर रखा है कि जितनी भी अगर ऐसी कोई ट्रांजेक्शन अगर करके जा रहा है, कोई अपना कार्ड दे रहा है, तो वो डायरेक्टली आएगी तो मेरे खाते के अंदर, और प्लस उसका ऑनलाइन एक रिकॉर्ड भी रहेगा मेरे पास, विच कैन प्रोसेस बोथ क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। आप लोगों ने वो देखा होगा, वो मूवी देखी होगी वेकअप सिड, जब उसका बाप उसको घर से निकाल देता है तो वो कोंगना सेन के घर पे जाके रहने लगता है, वो जॉब में बिजी होती है, तो एक दिन वो खाना खाने जाता है बाहर, है ना, जिसमें वो पिज़्ज़ा खा रहा होता है और कुछ ड्रिंक पी रहा होता है, तो उसके बाद जब वो अपना कार्ड देता है तो वो कहता है ना जब आता है मशीन लेकर POS की, सर ये कार्ड तो आपका वर्क नहीं कर रहा, यानी कि यहाँ पर कार्ड इंसर्ट करने के बाद भी अगर आपका बैलेंस नहीं है वो नहीं, तो ये मशीन बता देगी कि इनसफिशिएंट बैलेंस है, आपका कार्ड वर्क नहीं करेगा तो बता देगी, आपका कार्ड हो सकता है कि ब्लॉक हो तो ये बता देगी, ठीक है, फिर सामने वाला आपसे कहेगा कि आप कैश में पे करना चाहते हैं क्या, ये तो आपका वर्क कर रही था। अब लेकिन हमारे पास बड़ी सारी सहूलियत है, कैश लेकर जाओ, आपने डेबिट कार्ड रख लो तो ऐसे आप पेमेंट कर सकते हो POS मशीन से, ये भी नहीं हो रहा तो QR कोड लगा होगा वहां पर आप UPI कर लो, और अगर ये भी ना हो पाए और 5 स्टार में जा रहे हो फिर बर्तन धोना, ठीक है। अ कस्टमर नीड्स टू एंटर द कार्ड पिन टू कंप्लीट द ट्रांजेक्शन यूजिंग POS टर्मिनल, ये होता है POS टर्मिनल, इस मशीन को कहते हैं जहां पर एक नंबर होता है, और ये नंबर क्या होता है, जो आपके डेबिट कार्ड का पिन होता है ना, मैं जब इसको ATM में लगाऊंगा तो 4 अंकों का कुछ पिन तो डालूंगा ना जिससे मैं अपना पैसा निकाल सकूं, वही 4 अंकों का पिन जो होता है वो आपको इसमें डालना पड़ता है, वो आपको इसमें यूज करना पड़ता है, और ये ग्रीन पे क्लिक कर देना होता है। उसके बाद मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है, इट इज द फी पेड बाय द मर्चेंट टू अ बैंक फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट फ्रॉम देयर कस्टमर्स बाय अ डिजिटल मीन।
अब क्या होता था कि जब ये डिजिटल पेमेंट का सिलसिला शुरू हुआ, जो जो ये मशीन लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपने तो जितना बिल बना आपका अपना उतना दे दिया, सामने वाले ने ऐसी मशीन्स को जो लगा रखा है डायरेक्टली उनके बैंक के खातों में पैसा आ रहा है, जो भी आ रहा है, उनको कुछ पैसा ना, कुछ पैसा जो है वो देना पड़ता है बैंकों को। इट इज द फी पेड बाय मर्चेंट टू अ बैंक। मर्चेंट कौन? यहाँ पर दुकानदार, शॉपकीपर, मॉल वाला। आप मॉल में गए हो, कोई भी दुकान वाला है वहां पर, कहीं पर भी अपने रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाया, वो लेकर चला आया इसको, कुछ भी जगह है, मतलब पेट्रोल पंप, उनको बैंकों को देना पड़ता है पैसा कुछ कुछ, बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग यू सच काइंड ऑफ सर्विसेज जिससे डायरेक्टली आपके खाते में पैसा आ जाएगा और कैश ही लेना पड़ेगा आपको। फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट फ्रॉम देयर कस्टमर्स वाया डिजिटल मीन्स। तो इट इज द फी चार्ज टू अ मर्चेंट फॉर पेमेंट प्रोसेसिंग सर्विसेज ऑन डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन। मुझे एक बारी कैश की रिक्वायरमेंट थी, तो पास की नून की शॉप पर मैंने उनसे बोला कि मैं आपको यूपीआई कर देता हूँ, आप मुझे पैसे दे दो कुछ, या फिर मैं आपका डेबिट कार्ड जो है अपना ये आपकी POS मशीन के अंदर लगा देता हूँ, आप मुझे कैश निकाल कर दे दो ज़रा, और आप काट लो उससे मेरे पैसे, ऐसे ऑनलाइन ले लो। तो उसने मुझे बोला कि दीपांग भाई तुम ले जाओ पैसे, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे 3 से 4 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं इसमें। तो मैंने उससे पूछा क्यों, तो कहता कि बैंक वाले हमें ये फैसिलिटी यूज करने देते हैं और अलग अलग कार्ड, अलग अलग बैंकों के अलग अलग रेट होते हैं, लेकिन यहाँ पर सारे के सारे कॉमन कार्ड यहाँ पर यूज हो जाते हैं इस मशीन के अंदर, तो बैंक अपने एक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को कैरी करने के लिए ऐसे ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट जो है वो चार्ज करता है हमसे। अब लेकिन ये चीज़ ना एक बाधा बन रही थी डिजिटल इकोनॉमी के सपने को रियलाइज करने के लिए। काफी ज्यादा लोग फिर ना इच्छुक थे, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते थे फिर चालाकी से इसमें एक्स्ट्रा किसी भी चीज के 10 रुपए ऐड कर देना, 8 रुपए ऐड कर देना, ताकि उनका मतलब दुकानदार अपना लॉस क्यों उठाएगा भाई, बैंकों के पास आ रहा है पैसा, तो दुकानदार को फिर क्या बच रहा है, बसता है उसे, लेकिन बहुत कम बसता है। उन्होंने टर्मिनल लगा रखा है तो ऑब्वियस ही बात है बैंक वालों के साथ कोई ना कोई डीलिंग तो होती है उनकी, लेकिन अब बैंकों के पास पैसा तो कस्टमर बेसिकली सोचता है कि इससे बढ़िया तो कैश दे दो। लेकिन हमें हमारा जो सपना था नोटबंदी के बाद वो था कैशलेस इकोनॉमी को बनाना। तो ये देखा गया कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट जो है इसको एक तरीके से हटा देना चाहिए। अब देखो क्या हुआ आगे का सिलसिला, 2017, 18, 19 के साल जब आगे बीते, तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट इज एक्सप्रेस इन परसेंटेज ऑफ द ट्रांजेक्शन अमाउंट। आपने कितने का ट्रांजेक्शन कर रखा है, जैसे कई लोग बोलते हैं, जैसे उसी ने मुझे बताया था कि 1%, आधा परसेंट, पॉइंट इतने इतने परसेंट, ये कट जाता है। तो रेट ऑफ मर्चेंट डिस्काउंट रेट इज फिक्स एज पर द नंबर ऑफ एज पर द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन। वॉल्यूम इन द सेंस के वॉल्यूम छोड़ दो, अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन, और इसको RBI ने रिवाइज करा हुआ है टाइम टू टाइम। अब बात करें नोटबंदी के टाइम पर, नहीं, हाँ नोटबंदी के टाइम पर, वहां से लेकर 2020 तक जो कैशलेस इकोनॉमी का, डिजिटल इकोनॉमी का जो सपना था वो पूरा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जो MDR था वो एक बाधा बन रहा था। लोग ज्यादा इच्छुक नहीं थे इसके लिए कि पैसा कट रहा है, फिर दुकानदार भी नहीं रखते थे इसको, हम तो नहीं रख रहे इस मशीन को, हम तो मतलब कैश लेंगे, लेकिन सरकार को कैशलेस इकोनॉमी क्रिएट करनी थी। तो फ्रॉम 1 जनवरी 2020 नो MDR चार्ज लाइज ऑन ट्रांजेक्शन मेड थ्रू रुपे एंड भीम UPI प्लेटफॉर्म। 2020 में सरकार ने डिसीजन लिया। अगले साल 2021-22 के यूनियन बजट में 1500 करोड़ का फंड जो है वो प्रपोज करा गया था सरकार के द्वारा टू बूस्ट डिजिटल पेमेंट्स विच विल ऑल्सो कंपनसेट द लॉसेज इनकर्ड ऑन अकाउंट ऑफ जीरो मर्चेंट डिस्काउंटेड रिजीम सिंस 2020। अब क्या हो गया, अब जनरली आपके पैसे एज सच आपके तो वैसे भी नहीं लग रहे थे, जो ये मर्चेंट्स होते हैं अब इनके इतने ज्यादा पैसे नहीं लगते, लगते हैं अभी भी इनके, अभी भी कुछ ना कुछ चार्ज होते हैं, लेकिन अब वो बहुत कम कर दिया गया है, क्योंकि पिछले साल के बजट में, पिछले से पिछले साल के बजट में 2021-22 के, सरकार ने 1500 करोड़ रुपए का फंड बनाया था कि जो भी मर्चेंट डिस्काउंट रेट को जो भी घाटा होता, मतलब ये बैंकों को जो भी घाटा हो रहा है, जो भी हो रहा है, जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट अगर हम जीरो कर देते, कुछ भी करते थे, ये पैसा हम देंगे अपनी तरफ से बैंकों को, मर्चेंट जो हैं, ताकि उनको एंकरेज करा जा सके कि आप ही पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल या UPI के थ्रू ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट करना, ये तैयार रखो। तो आपने देखा होगा बड़े सारे लोग जो हैं अपने पास एक ऐसा एक स्टैंड रखते हैं, काफी सारे लोग तो पोस्टर रखते हैं,
काफ़ी सारे लोग इस प्रकार के स्टैंड रखते हैं जो कि एक यूपीआई का स्टैंड होता है, बीच में यहाँ पर क्यूआर कोड बन रखा होता है। काफ़ी सारे लोग इस यूपीआई का पोस्टर भी लगा लेते हैं, तो वो थोड़े से ना पीछे खिसक रहे थे, ना इच्छुक हो रहे थे और वो ना हिचक रहे थे कि हम तो नहीं मतलब यूज़ करेंगे, हमें कुछ कुछ पैसे फिर बैंकों को देने पड़ते हैं इन्फ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करवाने के लिए, तो हम बेवको थोड़ी ना फिर कस्टमर से अपना पैसा डायरेक्टली वो ना लेने। अब वो जो दूध है, जैसे अब किसी ने दूध के लिए पेमेंट करी, 3 लीटर दूध मदर डेयरी का कोई लेकर आया, 198 रुपीज़ कीमत है मान लो उसकी, वो लेकर आया पर्सन, अब सामने दुकानदार को पेमेंट कर दी 198 रुपीज़। अब वो कह रहा है अगर इस 198 रुपीज़ में से 1.5 रुपये भी अगर हमें बैंकों को देना पड़े तो हम तो घाटे के अंदर है ना, दूध में वैसे ही हमें ज़्यादा कुछ नहीं बचता है ऐसे प्रोडक्ट में, दूध ब्रेड वगैरह जिसमें कोई डिस्काउंट हम चाहकर भी कस्टमरों को नहीं दे सकते, हमें इसमें बच क्या रहा है। तो इस चीज़ के लिए सरकार ने इसका खामियाजा उठाया कि हम इसके लिए आपको पेमेंट देंगे, डोंट वरी, हम ये करेंगे आपके लिए टोटल फ्री है, आप बस इनकरेज करो इस प्रकार के डिजिटल पेमेंट को। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ कि RBI को टाइम टू टाइम रिवाइज करता हुआ है और यूनियन बजट 2021-22 में 1500 करोड़ रुपए का फंड जो है वो सरकार ने बनाया था टू बूस्ट डिजिटल पेमेंट्स, जो कि जो लॉसेस होते हैं मर्चेंट्स को ऑन अकाउंट ऑफ जीरो मर्चेंट डिस्काउंट रेट रिजीम सिंस 2020 उसको कंपनसेट करेगा ये 1500 करोड़ रुपए का फंड, और ये मतलब बरकरार रहता है, सरकार बार बार बजट में इसको लेकर आती है। ठीक है, समझ में आई, बताओ। ठीक है, अब बात करते हैं IFSC कोड की। ठीक है, मान लो श्रेया कह रही है कि उसने कई बार ऐसा एक्सपीरियंसेस सफ़र करे हैं जहाँ पर जब वो सामान लेने गई है ना तो सामने वाला दुकानदार उसको ये बोल रहा है कि मैडम आप इतने का सामान लो मिनिमम, अगर आपको पॉइंट ऑफ जो सेल जो मशीन है जो जिसमें आप कार्ड इंसर्ट कर रहे हो अगर आपको उससे पेमेंट वो करनी है ताकि वो अपना बेसिकली खर्चा निकाल सकें, राइट श्रेया, मतलब जो भी खर्चा इन द सेंस, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द वर्ड खर्चा, जो भी उनको वो बैंकों को जो पे करना है वो उतना मर्चेंट डिस्काउंट रेट है ना, ताकि वो उसको निकाल सके, है ना। हाँ, वेरी गुड। अब मान लो कि हनी ने मुझे कॉल करा, हनी ने, कि सर मैंने आपकी यूट्यूब पे वीडियोस देखी और मुझे आपका ना फाउंडेशन कोर्स चाहिए। मैं कहा ठीक है आप ले लो, और उसने कहा पेमेंट का मैकेनिज्म क्या होगा, तो मैंने कहा आप ये UPI के थ्रू कर दो। उसने बोला कि सर मेरे पापा जो हैं वो ऑफिस में जहाँ पर काम करते हैं उनको हर एक पेमेंट का रिकॉर्ड दिखाना पड़ता है और वो चाह रहे हैं कि बैंक में उनके सारे के सारे ट्रांजेक्शन जो हैं वो रिकॉर्ड हो जाएं, तो मैं अपने UPI से ना करके पापा के से थ्रू पेमेंट कर दूं। मैं कहा कर दो कोई बात नहीं। उसने बोला सर पापा UPI यूज़ नहीं करते हैं, तो आप अपनी क्या बैंक डिटेल दे दो कि पापा अपने बैंकिंग ऐप से आपको पेमेंट कर देंगे। मैं कहा ठीक है। मैंने हरनीत को अपनी बैंक डिटेल भेजी जो कि वो अपने पापा को दे देगी। मैंने ये सारी डिटेल उसको भेजी कि हरनीत ये है मेरा अकाउंट नंबर, ये मेरा सेविंग अकाउंट है, नाम मेरा ये डाल देना, ये और ब्रांच नेम जनकपुरी न्यू दिल्ली ऐसा करके डाल देना। ठीक है, तो हरनीत का कुछ देर के बाद मुझे कॉल आता है कि सर पापा कह रहे हैं कि आपने IFSC कोड नहीं भेजा, बिना उसके नहीं हो सकती पेमेंट। तो मैंने कहा अच्छा सॉरी मैं भूल गया, मैं अभी आपको भेजता हूँ। तो मैंने उसको फिर मान लो दूसरा स्क्रीनशॉट भेजा। अब उसके अंदर ये मांग रही थी वो मुझसे और ये मांग रहे थे हरनीत के पापा मुझसे IFSC कोड। अब IFSC कोड को जरा गिनते हैं हम लोग। मेरा SBI के अंदर अकाउंट है, जैसे ये देख पा रहे हो आप SBI योनो लाइट की ऐप है। ठीक है, मैंने उसको ये स्क्रीनशॉट भेजे और उसने बोला कि पापा IFSC कोड मांग रहे हैं। अब अंकल जब IFSC कोड डालेंगे मुझे पेमेंट करने के लिए ये कितने अंकों का कोड है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 है। अब ये 11 सिर्फ मेरे में ही है क्या या फिर सबके में 11 होते हैं, देखते हैं हम इसको। जो कंसेप्ट है अब समझ जाओ, अब आपके लिए कुछ भी नहीं रहेगा इसमें पढ़ने को। जो कंसेप्ट है IFSC कोड का, इसको RBI ने डेवलप करा था। ये एक 11 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है जिसमें अल्फाबेट्स भी हैं और नंबर्स भी हैं। कैसे, एस से शिप, बी से बॉल, आई से इंडिया, एन से न्यू दिल्ली, ये तो हो गए अल्फाबेट्स, न्यूमेरिकल लेटर्स भी हैं, न्यूमेरिकल नंबर्स हैं, सॉरी 0, 0, 5, 0, 2, 5, 8, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अल्फाबेट्स प्लस न्यूमेरिकल्स।
दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ बैंक ब्रांच. जैसे ही हरनीत के पापा अंकल अपने ऐप में ये डालेंगे तो ऑटोमेटिकली ना, जैसे ही वो आईएफएससी कोड अगर सबसे पहले डालेंगे ना, ये ऑटोमेटिकली लिख कर आ जाएगा कि ये न्यू दिल्ली जनकपुरी ब्रांच में है ये सिचुएटेड, ये वाला अकाउंट. ठीक है, आईएफएससी जो है इट हेल्प्स टू ट्रांसफर मनी यूजिंग नेफ्ट, आरटीजीएस, या एक होता है सेंट्रलाइज्ड फंड मैनेजमेंट सिस्टम. ये अलग अलग ना मतलब पैसे भेजने के तरीके होते हैं, मतलब एक प्लेटफॉर्म्स होते हैं. जैसे इसमें एक और चीज़ नहीं लिख रखा, जैसे आईएमपीएस होता है ना. तो ये है, आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, बस इतना याद रखना. ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट एंड सेंट्रलाइज्ड फंड्स मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है, अब ये जो 11 कैरेक्टर थे, अल्फा न्यूमेरिक कोड जो ये था पूरा का पूरा, एस बी आई एन 4 5 6 7 8 9 10 11. ठीक है, ये जो था, अब ये क्या पर है, ये क्या है, ये क्या सिंबलाइज करता है? द फर्स्ट फोर कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स द एंटिटी, कि ये कौन सा बैंक है. फर्स्ट फोर कैरेक्टर 1 2 3 4 एस बी आई एन, एस बी आई एन का बैंक है, एस बी आई का बैंक है. फिफ्थ पोजीशन हैज बीन डिफॉल्टेड विद जीरो फॉर फ्यूचर यूज. फिफ्थ पोजीशन जीरो है, जी हाँ, हमेशा जीरो है. ठीक है, लास्ट सिक्स कैरेक्टर्स डिनोट द बैंक ब्रांच आइडेंटिटी. एक्चुअली हरनीत के पापा ने, अंकल ने डाला तो ये पूरा का पूरा सिर्फ मेरे इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए कि दीपांग दुबे का ब्रांच कहां पर है, बैंक ब्रांच कहां पर है, न्यू दिल्ली जनकपुरी, बस लिखकर आ जाए ऑटोमेटिकली. एक्चुअली उनकी ऐप को चाहिए तो इतना ही था लास्ट के सिक्स डिजिट, लेकिन डालना फिर भी उनको पूरा पड़ा. तो 1 2 3 4 5 6 एस बी आई एन 0 को हटा दो, बाकी 050258 इतना डालने से उनको पता लग जाएगा कि दीपांग दुबे का ये वाला जो बैंक ब्रांच है वो न्यू दिल्ली जनकपुरी ब्रांच के अंदर सिचुएटेड है. बस अच्छे से समझ में आया. हरनीत क्लियर हुआ? 1 करोड़ रुपए पापा से ट्रांसफर करा देंगे जल्दी क्लास के बाद. ठीक है, मैं ट्रेडिंग करके परसों वापस कर दूंगा. फिर बात करते हैं माइकर कोड की. माइकर, इसको वैसे माइकर ही कहते हैं, और MICR आप जैसे बोलो, लेकिन सब लोग इसको माइकर माइकर ही बुलाते हैं. ठीक है, तो माइकर कोड, ये एक फुल फॉर्म क्या पहले इसकी, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन. माइकर कहाँ यूज होता है, सबसे पहले तो आप इस पे आ जाओ, सारी चीजें छोड़ दो, भाड़ में जाता हूं सबको. माइकर नंबर चेक का जो पन्ना होता है उसके बॉटम पे लिखा जाता है. अभी देखो, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये अलग तरीके से लिखा हुआ है, मैग्नेटिक इंक से लिखा जाता है ये. ठीक है, ये इनफैक्ट सारा का सारा ये चेक के अंदर जो भी चीजें लिखी जाती है मैग्नेटिक इंक से लिखी जाती है. इसको जैसे आप बैंक ब्रांच को दोगे या कहीं पर भी कोई जो मशीन होगी वो उसको आइडेंटिफाई कर लेगी. ठीक है, चेक के अंदर ये थोड़ी सी ना, एक सेकेंड रुकना, ये कार्टूनिक इमेज बनकर आ रही है, मैं कुछ असली चेक दिखाता हूँ आपको जरा, कार्टून जैसी इमेज आएगी. HDFC का ये चेक देख लो.
इट इज़ अ 9-डिजिट कोड दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ बैंक एंड अ ब्रांच हु आर पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम. आपने चेक जो दिया है बैंक में दोगे, चेक को क्लियर करके जिसके भी नाम पर आपने चेक दिया है उसके बैंक के खाते में पैसा पहुंच जाएगा. ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही तो हो रहा है ना सब कुछ. उसके लिए बैंक ये वाला काम कर सके. अब रिसेप्शनिस्ट को क्या पता जो बैंक में वो बैठी है या जो जो इरिटेटिंग औरतें वहां पर बैठी रहती हैं कि आपका पैसा कब तक जाना है, क्या जाना है, क्या नहीं जाना है. ये अपने आप ही माइकर कोड की मदद से हो जाता है. ये इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम को जल्दी से क्या कहते हैं उसको इनिशिएट करने के लिए, फास्ट बनाने के लिए माइकर कोड की आवश्यकता होती है. अब देखो माइकर कोड के अंदर कितनी डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. IFSC कोड में कितनी थी, यहां कितनी थी, 11. यहां कितनी है, 9. चेक पर होता है क्या IFSC कोड, होता है ये रहा. ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं चीज इंपॉर्टेंट. जो पहली तीन डिजिट होती हैं माइकर कोड की, दे रिप्रेजेंट द सिटी कोड. 1, 2, 3 ये सिटी कोड को रिप्रेजेंट करते हैं. मिडल 3 रिप्रेजेंट द बैंक कोड. 2, 4, 0 ये बैंक कोड को रिप्रेजेंट कर रहा है. बचा क्या 0, 1, 5. लास्ट 3 रिप्रेजेंट द ब्रांच कोड. शहर क्या है, बैंक कौन सा है, बैंक की ब्रांच कौन सी है, ये तीन राज इस माइकर कोड में छुपे होते हैं और ये मैग्नेटिक इंक से प्रिंट करा जाता है. ऑलरेडी जब आपके पास चेक होता है तो उसके अंदर ये माइकर कोड होता है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम इजी हो जाता है. दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ बैंक एंड अ ब्रांच हु आर पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम. यानी कि चेक को लेकर पैसा जो है एक पार्टी से लेकर दूसरे पार्टी के खाते में डाल रहा है, ये माइकर कोड की वजह से पॉसिबल हो पाता है. माइकर कोड शुरू से नहीं था, एक और बात मैं आपको बता दूं, जब ये चेक का सिलसिला शुरू हुआ शुरू से नहीं था. अब कभी कभार ये हो सकता है कि आपका चेक, देखो बैंक बैंकिंग सिस्टम इतना तो मानते ना भारत के अंदर इवॉल्व होता हुआ आया है और आज भी इवॉल्व कर रहा है. एग्री करते हो उस बात पे मेरी, कुछ ना कुछ चीज़ें आती रहती हैं, नई नई चीज़ें आती रहती हैं, कुछ कुछ चीज़ें चेंज होती रहती हैं, होता है ऐसा कि नहीं होता. ठीक है, अब क्या है कि कभी कभार जब आप चेक वगैरह को इशू करवा रहे हो या दे रहे हो किसी के नाम पर या इशू करवाना चाह रहे हो, कुछ भी है ऐसा सिस्टम, अब आपको ब्रांच नहीं पता. ये सामने वाला जब आपको पैसे डलवा रहा है तो उसको आपकी ब्रांच नहीं पता, ब्रांच कोड नहीं पता, बैंक कोड नहीं पता, उस केस में माइकर नंबर अपने आप आइडेंटिफाई कर लेगा. अब आपको माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है. जैसा कि हरनीत के पापा ने जब मैं आईएफएससी कोड के बारे में बता रहा था, उन्होंने जब ये डाला तो उनको अपने आप पता लग गया कि दीपांग दुबे के नाम से एक खाता है जो कि न्यू दिल्ली जनकपुरी ब्रांच के अंदर है. ऐसे ही अगर वो माइकर कोड को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ चेक और ब्रांच बैंक ब्रांच में अपनी देते हैं या कहीं पर भी वो जा रहे हैं, अब उनको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि इसकी ब्रांच कौन सी होगी, मैं चेक के अंदर क्या लिखूँ क्या नहीं लिखूँ, वो माइकर कोड अपने आप कर लेगा वो वाला काम. या फिर उन्होंने मुझे चेक दिया और मैं उनका चेक लगा रहा हूँ तो मुझे पता लग जाएगा कि उनका ब्रांच कहाँ पर है, क्या है, क्योंकि माइकर कोड के अंदर ये तीनों चीज़ें हैं, सिटी कोड, बैंक कोड और ब्रांच कोड. ठीक है, दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज द बैंक एंड अ ब्रांच. यहां तक बात समझ में आई? फिर बात करते हैं स्विफ्ट कोड की.
इट इज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड फॉर बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिसको अप्रूवल मिली हो बाय IOS के द्वारा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। जो स्विफ्ट स्टैंडर्ड्स हैं ये बेसिकली स्विफ्ट के पार्ट है। अब ये स्विफ्ट क्या है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन विच हैंडल्स द रजिस्ट्रेशन ऑफ दीज कोड्स। स्विफ्ट कोड यूज कब होते हैं? दे आर यूज व्हेन ट्रांसफरिंग मनी बिटवीन बैंक्स, पर्टिकुलरली फॉर इंटरनेशनल वायर ट्रांसफर्स एंड ऑल्सो फॉर द एक्सचेंज ऑफ अदर मैसेजेस बिटवीन बैंक्स, तब ये स्विफ्ट कोड यूज होता है। अब ये बैंकों के लिए काम की चीज होती है, कस्टमर के लिए नहीं। ये इस प्रकार से उनके कंप्यूटर स्क्रीन पर बैंक अकाउंट से जुड़े हुए कुछ कोड जनरेट होते हैं जो कि बैंक के कंप्यूटर सिस्टम पर जो बैठे रहते हैं वो इसको यूज करते हैं। कुछ ऐसे कोड्स होते हैं जैसे कितने लेटर्स हैं इसके अंदर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 यहाँ पर भी 8 to 11 कैरेक्टर्स होते हैं, फिक्स नहीं होता, 8 भी हो सकते हैं 11 भी हो सकते हैं। पहले 4 रिप्रेजेंट बैंक कोड, अगले 2 कंट्री कोड, अगले 2 लोकेशन कोड और फिर लास्ट में ब्रांच कोड। तो यहाँ पर 8 से 11 अंकों का एक कोड होता है, जनरली अल्फाबेटिकल कोड, फर्स्ट 4 यहां से आप देख लो, इट रिप्रेजेंट्स बैंक कोड, नेक्स्ट 2 कंट्री कोड, फिर लोकेशन कोड और ब्रांच कोड। अब आप कहोगे कंट्री कोड क्यों भाई? कंट्री कोड इसलिए बिकॉज ऑफ यहां पर देखो, दे आर पर्टिकुलरली यूज फॉर इंटरनेशनल वायर ट्रांसफर्स। पैसे की लेन देन चल रही है बिटवीन बैंक्स और हो सकता है कि कोई बैंक जो है वो इंटरनेशनली लोकेटेड हो, ये चीज याद रखना बस इसके बारे में। कोड कैसा भी हो 8 से 11 अंकों का होता है, ये इंपॉर्टेंट। और यहां पर उन्होंने पूरी बात देनी रखी थी इसलिए मैंने आपको ये बताया। ठीक है, बैंक कोड, कंट्री कोड, लोकेशन कोड एंड ब्रांच कोड। फिर हम लोग बात करते हैं CBS के बारे में, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। अंडर कोर बैंकिंग सॉल्यूशन जो कोर है इट स्टैंड्स फॉर सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। तो यानी कि एक्चुअली ये जो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है इसके अंदर कोर भी जो है इसकी भी फुल फॉर्म होती है, सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। तो CBS एक नेटवर्क होता है ब्रांचेस का जिसकी मदद से जो अकाउंट होल्डर्स होते हैं वो अपना अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं, बैंकिंग सर्विसेज को प्राप्त कर सकते हैं फ्रॉम एनी ब्रांच ऑफ द बैंक ऑन कोर बैंकिंग सॉल्यूशन नेटवर्क regardless of where he or she maintains his or her account. The customer is no more the customer of a bank's branch, he becomes the overall bank's customer. इसी की वजह से आपके पास अगर ATM कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो या कार्ड ना भी हो, आप पूरे देश भर में कहीं पर भी अपनी बैंकिंग फैसिलिटी को यूज कर सकते हो यूजिंग कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। बैंक का एक सेंट्रलाइज नेटवर्क जो है ऑनलाइन फैसिलिटी आपको देता है, और रियल टाइम एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, ऑन द स्पॉट आपको आधी रात को 3 बजे, 2:30 बजे, दोपहर में 2 बजे, शाम को 5 बजे, जब भी आपको जरूरत है आप अपने अकाउंट को यूज कर सकते हो, आपके
खाते में कितना पैसा पड़ा हुआ है आप इसकी जानकारी ले सकते हो। आप बैंकिंग ऐप को यूज़ कर सकते हो, UPI कर सकते हो, आप ATM कार्ड वगैरह की मदद से अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हो। तो यानी कि यहाँ पर आपको एक बैंक के ब्रांच की आवश्यकता नहीं है, बस आपने उस बैंक के अंदर खाता खुलवा रखा है वो काफ़ी है, बाकी आप कहीं पर भी यूज़ करते रहो उस पैसे को, उसकी फैसिलिटीज़ को, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ई कुबेर के बारे में बात करते हैं, हमने इसके बारे में बात करी थी वैसे। ई कुबेर ये कोर बैंकिंग सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म है RBI का, जिसको RBI के द्वारा यूज़ करा जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाय सेल करवाने के लिए, उनकी ऑक्शनिंग करवाने के लिए। कमर्शियल बैंक्स, स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, अर्बन स्केड्यूल्ड अर्बन कमर्शियल बैंक्स, प्राइमरी डीलर्स, इंश्योरेंस कंपनीज, प्रोविडेंट फंड्स, ये अपना करंट अकाउंट और सिक्योरिटीज अकाउंट RBI के पास मेंटेन करते हैं एंड दे आर द मेंबर्स ऑफ ई कुबेर एंड दे कैन पार्ट इन द ऑक्शन। आपको पता रहा यहाँ पर जो है ई कुबेर प्लेटफॉर्म पे जाकर जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाय सेल नहीं कर सकते, वो सिर्फ सेकेंडरी मार्केट के अंदर कर सकते हैं, विच इज जनरली ऑफ द नेचर ऑफ स्टॉक मार्केट। फिर आपको ये भी पता होगा कि जब से आधार कार्ड वगैरह ये सब कुछ आया है, कोई भी चीज़ है जैसे गैस सिलेंडर की बात कर लो आप, आधार कार्ड से लिंक की बात कर लो, कुछ भी कर लो, बैंक के खाते की लिंक करने की बात कर लो, तो आपको हर जगह पर KYC करवानी पड़ती है। जैसे आप में से जिस जिसको मैं ट्रेडिंग एप्लीकेशंस के लिंक भेजता हूँ, जैसे आप में से कई लोग मुझे बोलते हो कि हमें स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना है, पैसा ही करना है, तो आप हमें लिंक बता दो, कौन सी ऐप को हम लोग यूज़ करें, क्या करें, तो हमको बोलता हूँ ना कि आप ये वाली ऐप यूज़ कर लो और उसके बाद क्या करो कि आप KYC करवा लो, एक दो दिन का समय लगेगा और उसके बाद आपकी जब KYC हो जाएगी तो आप आराम से अपने पैसे को डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकोगे। तो क्या होता है KYC? नो योर कस्टमर नॉर्म्स। KYC मीन्स नो योर कस्टमर। ये कैसा प्रोसेस होता है थ्रू विच बैंक्स ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द आइडेंटिटी एंड एड्रेस ऑफ द कस्टमर्स। ये जो प्रोसेस है KYC का, ये बैंकों को हेल्प करता है कि बैंक की जो सर्विसेज हैं दे आर नॉट मिस यूज। KYC प्रोसीजर जो है ये बैंक के द्वारा कंप्लीट करा जाता है एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट्स एंड बैंक्स आर ऑल्सो रिक्वायर टू पीरियडिकली अपडेट देयर कस्टमर्स KYC डिटेल्स। जैसे कहते हैं ना कि आपको KYC अपडेट करवानी पड़ेगी बैंक में जाकर। अब पहले जब ये चला था, तब जब आधार ये सब कुछ आया था उसके बाद जब ये KYC की प्रक्रिया चली थी तब आपको ऑफलाइन जाना पड़ता था। अब आप हर चीज़ की KYC इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करवा सकते हैं। आप जैसे आपको ट्रेडिंग ऐप्स वगैरह की KYC वगैरह करवानी है अपनी उसके अंदर, ताकि आप उसको लिंक करके अपने बैंक के खाते को लिंक करके ट्रेडिंग ऐप से आप लिंक करवा सको, तभी तो आप कोई स्टॉक्स वगैरह या शेयर्स खरीद सकोगे। पैसे होने चाहिए ना आपके पास उस ऐप में, तभी तो आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में शेयर वगैरह खरीद सकोगे। तो ई KYC अब हो जाती है, या जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर प्रोसीजर, एंड इट इज़ पॉसिबल ओनली फॉर दोज हु हैव आधार नंबर्स। इसलिए आपके पास जब आप KYC करवाते हो किसी भी चीज़ की, आपने ट्रेडिंग ऐप्स के अंदर अपना अकाउंट खोला है, कुछ भी करा, आपको एक OTP आता है। और जनरली अगर आपके पास वो वाला मोबाइल नंबर होता है जिससे आपने सबसे पहले अपना आधार कार्ड वगैरह बनवाया था, अगर वो वहाँ से लिंक है आपका आधार कार्ड, तो आपको उस पर OTP आता है और फिर आपकी आराम से eKYC हो जाती है, वरना आपको बैंक को अप्रोच करना पड़ता है। एक इम्पॉर्टेंट बात और, वन कैन स्टिल ओपन अ बैंक अकाउंट नोन एज ए स्मॉल अकाउंट। कैसे? अपनी रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देकर, बाय पुटिंग द सिग्नेचर ऑफ द थंब इम्प्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ द बैंक ऑफिशियल। लेकिन स्मॉल अकाउंट जो होते हैं इनकी कुछ लिमिटेशंस होती है। बैलेंस ऐसे अकाउंट में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम शुड नॉट एक्सीड 50,000। टोटल क्रेडिट एक साल के अंदर जो आप पैसा जो डिपॉजिट करवा सकते हो 1,00,000 से ज़्यादा नहीं। टोटल विड्रॉल और ट्रांसफर एक महीने के अंदर 10,000 से ज़्यादा नहीं। और फॉरेन रेमिटेंसेज, बाहर से कोई पैसा भेज रहा, आपके मामा ने, आपके चाचा ने, किसी ने भी आपको बाहर से पैसा भेजा आपके अकाउंट के अंदर, तो वो आप नहीं मंगवा सकते। यानी कि आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर वो ये चीज़ कह रहा है, ये वाला एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर मान लो कि आप सिर्फ कुछ अपनी फोटोग्राफ और सिग्नेचर देकर बैंक के पास से एक स्पेशल प्रकार का अकाउंट खुलवा सकते हो जिसको कहा जाता है स्मॉल अकाउंट। लेकिन यह आपका खुल भी गया, इसके अंदर कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं।
50,000 से ज़्यादा बैलेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो जो पैसा आता जाएगा मतलब आप निकाल रहे हो आ रहा है, 1 लाख से ज़्यादा नहीं एक साल के अंदर, टोटल विड्रॉल्स एंड ट्रांसफ़र 1 महीने के अंदर 10,000 से ज़्यादा नहीं, और बाहर से कोई पैसा भेज रहा है वो एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा। जीरो रुपी नोट, जीरो रुपी नोट जो है ये एक एनजीओ के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करे जाते हैं, द फिफ्थ पिलर। ये एक बैंक नोट की तरह दिखता है, एंड इट इज इशू टू रेस अवेयरनेस अबाउट द ब्राइबरी एंड द सिस्टमेटिक पॉलिटिकल करप्शन। इस चीज को आप यूज कर सकते हो अपने ऐसे में, और जीएस पेपर 4 में फॉर एथिक्स इंटेग्रिटी एप्टीट्यूड, उसकी थ्योरी में भी और उसकी केस स्टडीज में। ये कोई नोट यूज करने वाला नहीं होता, इट इज जस्ट इशूड टू रेज अवेयरनेस अबाउट द ब्राइबरी कि रिश्वत खानी जा रही है और कोई पॉलिटिकल करप्शन तो नहीं हो रही, मतलब कोई नेता वगैरह जो है वो बैंक को प्रेशर तो नहीं कर रहा किसी ऑफिशियल को कि लोन दे दो मेरे भांजे को, वरना ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, उसके चक्कर में बैंक अपना बट्टा बैठा लें और एनपीए बढ़वा लें पता चला कल को, तो ये क्या होता है। जीरो रुपी नोट, ये होता है एलिमिनेट करप्शन एट ऑल लेवल्स। और नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, ये फिफ्थ पिलर इसको वो करता है, एनजीओ इशू करता है, आई प्रॉमिस टू नीदर एक्सेप्ट नॉर गिव ब्राइब, इफ एनीवन डिमांड्स ब्राइब गिव दिस नोट एंड रिपोर्ट द केस, डू नॉट फोल्ड। शून्य शून्य रुपया, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर ये 20 कैरेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, विच इज बेस्ड ऑन द आईएसओ 17442 स्टैंडर्ड, जिसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने डेवलप करा। ये एक यूनिक ग्लोबल रेफरेंस नंबर होता है which connects to key reference information for clear and unique identification of legal entities which are participating in financial transaction। मतलब एक प्रकार से जैसे ये हम लोग कोर बैंकिंग सॉल्यूशन स्विफ्ट के बारे में पढ़ रहे थे ना, वैसे एक प्रकार से लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर होता है। लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इज एक्रेडिटेड बाय द, इसको मान्यता कौन देता है, ग्लोबल लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फाउंडेशन। इसको आरबीआई ने रिकॉग्नाइज करा, एंड भारत के अंदर आरबीआई इज द इशूअर ऑफ लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट ऑफ 2007। ये पहले आपको दिखाता हूं, ये एक प्रकार का ऐसा कोड होता है। कितना ये बोल रहा था, 20 अंकों का, अल्फाबेट्स भी होते हैं नंबर्स भी होते हैं, देखते हैं। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस। ठीक है,
बीच के जो पूरे के पूरे जो हैं दे आर 12 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक आइडेंटिफिकेशन रैंडम नंबर, 12 जो होते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी अगर पेमेंट हो रही है, ट्रांजैक्शन हो रही है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो हो रही है, उसके अंदर कोई भी जो लीगल एंटिटीज हैं उनको आइडेंटिफाई करा जा सके अगर वो ट्रांजैक्शन जो हैं वो कर रहे हैं। और एक और बात मैं बता दूं, ये ग्लोबल ट्रांजैक्शंस के लिए भी ये लागू होता है। ठीक है, आरबीआई ने इसको मान्यता दी थी कि ये एक जो प्राइवेट फाउंडेशन है अगर वो ऐसा कुछ लेकर आ रहे हैं तो हम भी उसको हमारे देश में अडॉप्ट करेंगे अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। ये सब एक नंबर है, आप कन्फ्यूज मत होना कि सर ये स्विफ्ट कैसे अलग है, ये कैसे अलग है। ये सारे मतलब बेसिकली आपकी डिजिटल ट्रांजेक्शन को नोट करने के लिए हैं कि आप कितनी डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हो, कहाँ कहाँ, अलग अलग माध्यम है बस उसके। एक रास्ते से नहीं पकड़े जाओगे तो दूसरे रास्ते से पकड़े जाओगे, बस ऐसा है। डिजिटल लेंडिंग, इट इज़ एन ऑटोमेटेड लेंडिंग प्रोसेस मेजरली बाय यूज ऑफ सीमलेस डिजिटल टेक्नोलॉजीज इन कस्टमर एक्विजिशन, क्रेडिट असेसमेंट, लोन अप्रूवल, डिसबर्समेंट यानी कि पैसा रिलीज करना, रिकवरी एंड एसोसिएटेड कस्टमर सर्विसेज। अब क्या है, देयर आर सेवरल डिजिटल लेंडिंग मॉडल्स अक्रॉस द ग्लोब लाइक ऑनलाइन लेंडर, पैसे ऑनलाइन किसी ने आपको ट्रांसफर कर दिए किसी भी माध्यम से, किसी भी माध्यम से घर पे बैठे बैठे आप लोन को अप्रूव करवा सकते हो। जैसा कि कल मैंने यूपीआई वाली जो एक फोटो भेजी थी ना फोनपे की, याद है, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह ये सब कुछ आप मतलब घर पे बैठे बैठे कर सकते हो, मकान मालिक को पैसा दे सकते हो, आपको जाने की जरूरत नहीं है। मोबाइल मनी लेंडर, मार्केट प्लेटफॉर्म्स और P2P लेंडर, पीयर टू पीयर। मैं आपको ये चीज़ पहले समझाता हूँ, ये पीयर टू पीयर ये डिजिटल लेंडिंग कैसे हुई। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था एक दिन कि ये जो है ये मेरा क्रिप्टो का वॉलेट एड्रेस है, जब मैं वहाँ पर कोई भी ट्रांजेक्शन करता हूँ, मैंने कोई भी ट्रेडिंग से अमाउंट अगर अर्न करा, अब मुझे इसको अपने बैंक में तो विड्रॉ करने के लिए चाहिए ना। अब बैंक ये फैसिलिटी डायरेक्टली नहीं देता कि आप विड्रॉ कर सको, मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म देते नहीं हैं, तो क्रिप्टोस को अगर बैंक अकाउंट में अपने खींचना होता है, मतलब जो भी प्रॉफिट को मुझे अपने बैंक अकाउंट में खींचना होता है, तो मुझे P2P ट्रांजेक्शन करनी पड़ती है। मैंने इस एड्रेस को कॉपी करा और कुछ अपने डॉलर्स जो हैं वो वहाँ भेजे और डॉलर्स को कन्वर्ट करके इंडियन रुपी में मैंने लिए। कैसे, मैंने यहां पर मान लो 16,890 रुपीज अर्न करे। ठीक है, अब वो कैसे अर्न करे, मैंने 87.51 रुपीज के भाव पर अपने 193 USDT को सोल्ड आउट कर दिया। 87.51 रुपीस के भाव पर, इसको आप डॉलर ही समझ लो एक तरीके से, ये होता है यूएस डॉलर टोकन। ठीक है, मतलब होता है टोकन 193 मेरे पास डॉलर थे, 87.51 रुपीस के भाव पर मैंने इसको सेल आउट कर दिए। मैंने यूपीआई के अंतर्गत एक पर्सन को ये यूएसडीटी दिया और उसने यूपीआई में मुझे पेमेंट कर दी। जैसा कि आप बगल में देख सकते हो, ये आरपी के मनन कोई पर्सन है, उसको मैंने यहां पर अब यूएसडीटी दिए। ये देखो लिखा हुआ, यू हैव रिलीज्ड यूएसडीटी एंड द बायर विल रिलीज योर पेमेंट सून। उसने मुझे पेमेंट मेरे पे भेज दी मेरे मोबाइल पर, मतलब मेरे यूपीआई पर, एंड दिस इज द अमाउंट डेट आई रिसीव। ऐसे करके मैं P2P ट्रांजेक्शन करके, पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन करके इस प्रोसेस का पार्ट बनता हूँ, विच इज नोन एज डिजिटल लैंड। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।